साथियों को हेलो और बर्डो को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप लोगों के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डिजोन में। तो आज जो अपडेट मैं दे रहा हूँ ऑलरेडी आपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो ये हादसा हुआ है सोमवार की रात को और जगह का नाम है बग्गा 54 सुरे रेंज, तो जो कि ऑलरेडी जाना जाता है खूंखार टाइगर अटैक्स के लिए और पीलीभीत टाइगर रिजर्व से सटा हुआ इलाका है और हम भी काफ़ी उस एरिया के आसपास काफ़ी बार गए हैं और आप लोगों का अवगत भी कराया है कि वहाँ के कितने ज़्यादा खूंखार टाइगर है। हालांकि वहाँ जो भी अटैक होता है ना बहुत ज़्यादातर जंगल के आसपास या जंगलों में ही होते हैं, तो जंगलों में कहते हैं ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो ये बात भी एकदम ऐसी ही है। तो फौजी सेवा से रिटायर्ड फौजी खुशाल सिंह का बेटा 29 वर्षीय तारा सिंह अपने दोस्त मेहमान के साथ अपने विलेज से कुछ दूर पीलीभीत के एक गांव के पास न्यूरिया जगह के नाम से जानी जाती है वहां पे अपनी बाइक सही करवाने के लिए गए थे दोनों दोस्त। तो उसके बाद दोनों दोस्त पहुंचते हैं बनगवा जहाँ पे तारा सिंह बोलता है कि मेरा कुछ काम है और उसका जो दोस्त होता है मित्र होता है महिमन वो चले जाता है बाइक लेके विलेज बग्गा की तरफ और तारा सिंह वहाँ रुकता है और तब तक अंधेरा हो गया होता है, रात हो गई होती है और रात के टाइम में तारा सिंह डिसाइड करता है कि वो अकेले ही अपने गाँव जाएगा जो कि बनगवा से उसके गाँव की डिस्टेंस थी 5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर जंगल के अंदर बहुत ज्यादा होता है और रात के टाइम में वो भी अकेले। तो ये एक सावधानी बरतनी चाहिए थी यहाँ पे, लेकिन सावधानी ना बरतने का नतीजा है कि वो बनगवा से अपने गांव के लिए निकला था पैदल पैदल, लेकिन टाइगर ने उसे रास्ते में अटैक कर दिया और वो बच नहीं पाया तारा सिंह। तो ये हादसा बेहद अफसोसजनक है। एक युवा जो कि युवक था और रिटायर्ड फौजी का बेटा था वो टाइगर हादसे में मारा जाता है, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और अक्सर हम ये चीज़ भी आप लोगों को बताते भी रहते हैं अपने वीडियो के माध्यम से कि सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट हम भी जैसे जिम कॉर्बेट के आसपास या पीलीभीत के आसपास कई बार नाइट ड्राइव पर भी जाते हैं तो आप लोगों को जो गलतियां लोग करते हैं उससे भी अवगत कराते हैं और बोलते भी हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। देखिए अगर मतलब वो अपने दोस्त के साथ चले जाते या उसका दोस्त रुक जाता और दोनों साथ में जाने का डिसीजन लेते तो शायद ये हादसा नहीं होता अगर बाइक में जाते दोनों, या फिर जो तारा सिंह है वो बनगवा में जो काम जहाँ पे रुका हुआ था अगर वो वहीं पे पूरी रात गुजार देता और जंगल में पैदल जाने का फैसला नहीं लेता तो शायद उसकी जान बच जाती और यह हादसा नहीं होता, लेकिन हादसा हो गया और जान चली गई। हालांकि ये बग्गा के आसपास के एरिया में ना आए दिन टाइगर अटैक होते रहते हैं और मैंने प्रीवियस काफ़ी वीडियो में आपको यहाँ के एरिया के बारे में जितने अटैक हुए हैं कवर भी करते हैं बताते भी रहते हैं। काफ़ी सेंसिटिव एरिया है और जो ये विलेज है ना ये भी जंगल के अंदर है क्योंकि यहाँ ऑलरेडी मतलब फॉरेस्ट और जो विलेज है उनकी आपसी मतभेद भी चलता है कि जमीन को लेके कि जंगल की जमीन है फॉरेस्ट का कहना है, गांव वाले वहाँ पे रह रहे हैं दोनों का अपना अपना कहना है, लेकिन यह है कि उससे सटा जो एरिया है ना पूरा वाइल्ड एनिमल का है, पूरा जंगल है जहाँ बहुत टाइगर है और ज़्यादातर खूंखार है, तो मौका पड़ने में टाइगर वहाँ इंसानों को नहीं छोड़ता है, आए दिन हादसे होते रहते हैं। और 2 साल के अंदर इस एरिया में 7 केस हो गए हैं टाइगर अटैक के, जो कि बहुत बहुत बड़ी बात भी है और बहुत दुखद भी है कि उसके बाद भी ऐसे हादसों से लोग सावधानी नहीं बरत रहे हैं, तो वो चीज़ है। तो मतलब इससे पहले भी हमने आपको कई बार ऐसे एरिया में जब हम जाते हैं और विलेज वालों से हमारी जब बात होती है तो वो बोलते हैं कि हमें नहीं लगता डर, हम लोकल हैं, तो लोकल हैं करके टाइगर से ना डरना एक अलग चीज़ है, लेकिन जिस दिन सावधानी हटती है ना उस दिन कुछ भी हो सकता है। तो ये हादसा हो गया और ये हादसा
नहीं होता अगर सावधानी बरती जाती, अगर तारा सिंह फैसला लेता अपने दोस्त के साथ जाने का, या उसका दोस्त फैसला लेता मैं अपने दोस्त को अपने साथ घर लेके जाऊंगा, तो ये शायद हादसा नहीं होता और जान बच जाती। और लेकिन यहाँ पे जान नहीं बच पाई और टाइगर का शिकार हो गया, क्योंकि टाइगर के लिए जो जंगल में घूमता, अगर टाइगर उसके आसपास का एरिया में है तो सारे चीज उसका प्रे है। तो तभी अक्सर हम बोलते भी रहते हैं और फॉरेस्ट वाले भी वार्निंग देते रहते हैं कि हमेशा ग्रुप में जाए जंगल में, अगर जाना ही पड़ रहा है। वैसे तो जाए ना, अगर जाना ही पड़ रहा है ग्रुप में जाए, अकेले में हादसे का शिकार होने के ज्यादा चांस रहते हैं 99%। लेकिन अगर ग्रुप में और लाइट शोर मचाते हुए जाते हैं तो हादसे कम होने के चांसेस होते हैं, आपस में बातचीत करके जाते हैं तो हादसे कम होने के चांसेस होते हैं। तो ये चीज है, आप लोग जितने लोग देख रहे हैं मैं आपसे विनती भी करता हूँ कि सावधानी बरती है और जितना हो सकता है ग्रुप में जाइए। अगर कोई मजबूरी हो जा रही है, अगर कितनी भी बड़ी मजबूरी है ना, आप रुक जाइए। अगर ऐसी सिचुएशन आती है कभी, देखिए बाइक खराब होना या कुछ भी चीज़ है, वो जंगल के आसपास के एरिया में कभी भी कोई भी चीज़ घटित हो सकती है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अंधेरे के टाइम में अकेले ना निकलें बाइक से या किसी भी चीज़ से, क्योंकि देखिए मशीन चीज़ है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये हादसा हम लोगों के सामने एक सावधानी ना बरतने का भी एक रिजल्ट है, और इससे हम सीख भी सकते हैं कि कैसे आगे सावधानी बरतनी चाहिए। तो तारा सिंह को भगवान के चरणों में जगह मिले और आत्मा की शांति की हम प्रार्थना करते हैं। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं दोबारा, तब तक बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड सेव एनिमल।